तो लाली बहना योजना के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं आती हैं, जिन जिन महिलाओं के आवेदन हुए थे लाली बहना योजना में, तो उन सभी महिलाओं को न रक्षाबंधन का उपहार मिल चुका है। उनके बैंक खाते में 250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है उनके बैंक खाते में 27 तारीख को। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी महिलाएं रह गई हैं जिनके बैंक खाते में लाली बहना योजना का उपहार आया ही नहीं है, उनके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, और उन्होंने लाली बहना योजना में आवेदन भी करवा लिया है लेकिन फिर भी उनका उपहार उनके बैंक खाते में नहीं आया है। यदि आपको भी ना रक्षाबंधन का उपहार नहीं मिला है तो आपको ना उपहार क्यों नहीं दिया गया है, आपके बैंक खाते में पैसे क्यों नहीं आए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप में से ना काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि आप यहां पर जानते हैं कि आपको यहां पर रियल अपडेट मिलता है, एकदम रियल जानकारी आपको मिलती है, लेकिन फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से पिछली वीडियो में कहा था कि आप सभी को ना रक्षाबंधन के उपहार में आपको ये सारे गिफ्ट, ये सारे उपहार आप सभी को मिल सकते हैं, और वे सारे उपहार ना लाली बहना योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं थी तो उन सभी को ना ये उपहार दिए गए। तो मैंने इस बात को ना आप सभी से पहले यहां पर बता दिया था, तो आपको यहां पर रियल जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जैसा कि ना लाली बहना योजना के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं आती हैं तो उन सभी महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन का उपहार भेज दिया गया है। 250 रुपए की राशि उन सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो आपको ना उसी बैंक खाते में पैसे मिला है जिस बैंक खाते में आपका आधार और डीबीटी लिंक है, और जिस बैंक खाते में आपको पहली किस्त और दूसरी और तीसरी किस्त आपको मिली है, तो आपके ना उसी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं जिस बैंक खाते में आपको पहली किस्त और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त आपको मिली है। काफ़ी सारी महिलाओं को ना लाली बहना योजना का जो यहां पर उपहार मिला है तो उनके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो क्यों आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं? यदि आपने दूसरे चरण में यानी आपने 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त से पहले आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था लाली बहना योजना में, तो आपको ना रक्षाबंधन का उपहार आपको नहीं दिया गया है। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को यह उपहार मिला है जिन्होंने पहले चरण में आवेदन करवाया था, तो उन्हीं को यहां पर 250 रुपए की राशि डाली गई है उनके बैंक खाते में। और यदि आपने दूसरे चरण में आवेदन करवाया है तो आपको ना पहली किस्त 10 सितंबर को लाली बहना योजना की पहली किस्त आप सभी को यहां पर दी जाएगी। तो उन सभी महिलाओं को ना 10 सितंबर को लाली बहना योजना की पहली किस्त दी जाएगी। और यदि आपको ऐसे ही अपडेट पाना है तो आपको ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर